देखिए आपको अगर ज्ञात होगा, परसों डार साहब जो कांस्टेबल थे अपने अपने रोजगार कमाने के लिए दफ्तर जा रहे थे और बीच आईवा ब्रिज में उनको मार दिया गया। उन्होंने सिर्फ एक कश्मीरी को नहीं मारा, उसने उसके पूरे अहलकीन को, उनकी पूरी फैमिली को बर्बाद करके रखा। मैं आज गया था उनके, सुबह उनके वहाँ घर पे गया था, मातम उनका था तो मैं वहाँ गया था। मैंने कहा शमूलियत करें। मैं बड़ा दुखी हुआ जब मैंने वहाँ देखा कि 3 साल की बच्ची उनकी, वो ये कह रही कि उसके पापा चिप्स लाने गए, उसको ये नहीं पता कि पाकिस्तान के दरिंदों ने, उनके एजेंट्स ने, दलालों ने उसके पिताजी को मार डाला। आप ये सोचो, आपने बोला हम आज़ादी लाने जाएंगे आम कश्मीरी को, उसको मार रहे हो। हमने आपको रिजेक्ट कर लिया, हमने पाकिस्तान, बाकी जो हुर्रियत के एजेंट दलाल यहाँ बैठे हैं, पाकिस्तान के स्टूडेंट बैठे हैं, उनको हमने रिजेक्ट कर लिया। हम अमन से काम करना चाहते, अपना रोज़गार कमाना चाहते, नौकरी करना चाहते, बिजनेस करना चाहते, अब उनको भी नहीं छोड़ोगे? आम कश्मीरी को आपने बोला इंसाफ दिलाएं, उनको मारते हो। ये कौन सा जहाद है? ये कहाँ कुरान पाक में कहते हैं अगर एक बेगुनाह का मारा गया तो पूरी इंसानियत शर्मसार हो जाएगी? एक बेगुनाह को मारना है, ये बताओ ये कौन सा दीन है? ये कौन सा पाकिस्तान यहाँ धंधा चला रहा है? अगर उसको गिला है बांग्लादेश का, वो मारे ना जिसको लीडरशिप को मारे। आम कश्मीरी ने क्या किया? हमने उनका क्या बिगाड़ा है? पुलिस वाला बेचारा नौकरी करने गया, नौकरी पे एक कॉन्स्टेबल, उसकी क्या खता? अब छोड़िए, उसके बच्चों को क्या जवाब देंगे? 3 साल की बच्ची बोलती है मेरा पापा चिप्स लाने गया, उसको बताया गया कि लेज लाने गया है। उसकी दूसरी बच्ची वो मुँह ही नहीं खोद, न रो पा रही, न घस पा रही, बिल्कुल सुन रह गई है। तो आप ये सोचो, आप ये पूरे कश्मीर को शर्मसार कर रहे हैं। तो हम आपके माध्यम के थ्रू इंटरनेशनल मीडिया को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका संज्ञान ले, पाकिस्तान को बम्बार्ड करना चाहिए ऐसे बदमाश मुल्कों को। हमने तो रिजेक्ट कर लिया ना, उसके बाद क्या बचा? हम नहीं उनके साथ हैं, हमको जीने दो आराम से, हम अमन में रहना चाहते हैं। फिर भी सता रहे हो, मार रहे हो, तो किसका भला कर रहे हो? यहाँ से लड़कों को ड्रग्स, यहाँ से माशरे को ड्रग्स, और यहाँ से जो खिदमत करने के उनको मारते हो और बोलते हो हम इंसाफ इन इस्लाम के दोस्त हैं। ये तो इस्लाम को शर्मसार करते हैं ये बदमाश। बेसिकली इसका नाश होना चाहिए, जब तक पाकिस्तान का नाश नहीं होगा तब तक हमको शांति नहीं देंगे। मैं तो अपील करूंगा इंटरनेशनल मीडिया से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, कि फौरन इसका संज्ञान लेके दे शुड मेक अ डिसाइसिव वॉर अगेंस्ट द पाकिस्तान, जो बार बार अपनी नाकामयाब, पहले वो फेल्ड इकॉनमी है, अब वहाँ नहीं संभाला जा रहा, हमको यहाँ मार रहा है। हमको खुदाया बख्शो, बस हम ये आपके माध्यम के थ्रू कहना चाहते हैं, हमने तोबा कर ली पाकिस्तान से, हमको जीने दो आराम से, बस ये। हम लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जो ये खून खराबा करते हैं, इस खून खराबे को बंद कीजिए। हम यही कहना चाहते हैं कि आखिर कब तक कश्मीरी का खून बहेगा, आखिर कब तक कश्मीरी को कठपुतला बना दिया जाएगा। हम दोनों साइडों से यही अपील कर रहे हैं कि आप डायलॉगों से इस मामले को हल कर दीजिए और लोगों का खून बचा लीजिए। आप देख लीजिए, कल एक बाप चिप्स खरीदने गया और वहाँ से उसकी बेटी वेट कर रही है कि वो बाप का वापस आएगा। वो भी एक जहाद कर रहा है, वो भी अपने अयाल के लिए जहाद कर रहा है, अपने घर के लिए जहाद कर रहा है, उसका भी एक जहाद था। किसी को मारना किसी भी जगह पर सही नहीं है। आखिर कब तक हम लोग कठपुतली बनते जाएंगे और मरते रहेंगे? कश्मीरियों का खून बहुत ज़ाया हो गया, अब नहीं होना चाहिए। सभी से हम अपील करना चाहते हैं कि इस चीज़ को आप बंद कीजिए, खून खराबे को, तभी हम यहाँ पर आज फिर से हमने ये आखिर कब तक प्रोग्राम किया कि कब तक हमारे लोग मारे जाएंगे। नहीं कालक मत पूछो, पता ही नहीं कालक मत नारा लगा दे रहे।
देखिए आखिर कब तक एक फीलिंग है कश्मीर के आवाम की कि आखिर कब तक कश्मीरियों का खून यहाँ पे सड़कों पे बहेगा, आखिर कब तक कश्मीर के मौसम लोगों को दहशतगर्द मारते रहेंगे। दहशतगर्दी अन इस्लामिक है जो ये लोग गुप्त अंधेरे में आकर पीठ पीछे वार करते हैं। कल डार साहब को मारा, एक ड्राइवर था वो पुलिस में, क्या गुनाह था उनका, किस लिए मारा उनको, आपको जस्टिफाई करना है अगर आपने कुछ किया। ये बिल्कुल अन इस्लामिक है, अनएथिकल है, एंटी ह्यूमन है। उसी फीलिंग को हमने यहाँ पे आज जो इस जगह पे हम सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, एक तो हम उस डार साहब की फैमिली के साथ इजहार ताज़ियत के साथ साथ हमदर्दी का एक जेस्चर दे रहे हैं, साथ ही साथ उन कातिलों के खिलाफ एक आवाज़ है हमारी, जो कातिल पिछले 30 साल से कश्मीरियों का खून बहा रहे हैं, कश्मीर के आवाम के साथ जो 30 साल उन्होंने किया आज वो फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की भी एक गलती है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोटेक्ट करना है हमें, हम स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे नहीं छोड़ सकते। कातिल अपना काम कर रहे हैं बखूबी, लेकिन हम अपने लोगों को बचाने में नाकाम हो रहे हैं, उन कातिलों को आइडेंटिफाई करने में हम नाकाम हो रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करूंगा हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से कि आने वाले वक्त में ऐसा नहीं होना चाहिए। एक डर का माहौल फिर से बनाया जा रहा है, 30 साल डर का माहौल था जिस डर को हमने एक हद तक कम किया था, लेकिन फिर से वो डर का माहौल है जिसकी वजह से आम आदमी आज शाम के वक्त घर से बाहर निकलने में डरता है। जिस तरह डार साहब को मारा, घर के बाहर मारा उसे, क्या पता कल आपके और मेरे साथ ऐसा हो। इसमें सिविल सोसाइटी की भी एक जिम्मेदारी है, सिविल सोसाइटी को कंडम करना है। जितनी हम मजम्मत करें इन कातलों की, उनके संगठनों की, उतनी कम है। इंसानियत का कत्ल हो रहा है, इस्लाम में ये चीज़ बावर की गई है। अगर आप एक इंसान को मारते हैं, आपने आलम इंसानियत को कत्ल किया, और अगर आप एक इंसान की जान बचाते हो या उनकी मदद करते हो तो आपने पूरे इंसानियत की जान बचाई या पूरे इंसानियत की मदद की। तो ये अन इस्लामिक है, इस्लाम के दुश्मन है, ये इंसानियत के दुश्मन है, और हमारे कश्मीरी समाज के दुश्मन है, कश्मीरियत के दुश्मन है।